पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट करना है, तो पाइपिंग के लिए हम क्रॉस में फैब्रिक काटेंगे। क्रॉस डायरेक्शन में हम फैब्रिक को कट करेंगे। वन पॉइंट फाइव इंचेस ब्रॉड। अब देखो, पाइपिंग लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि फर्स्ट तरीका है कि अगर आपके पास डबल अस्तर ना हो तो आप किस तरह से करते हो, उसमें आपके पाइपिंग की स्टिचेस अंदर दिखती है। अगर आपके पास सिंगल अस्तर हो, लेकिन अभी हम डबल अस्तर वाला बना रहे हैं तो हमारी पाइपिंग जो है हाइड हो जाएगी, उसके अंदर छुप जाएगी पाइपिंग, अंडरग्राउंड हो जाएगी। अंडरग्राउंड पाइपिंग भी बोलते हैं। वी आर मेकिंग अंडरग्राउंड पाइपिंग मीन्स सेम अलाउंस विल बी हाइड इन साइड बिटवीन द बोथ ऑफ द लाइनिंग। दोनों अस्तर और कपड़े के बीच में हमारी जो पाइपिंग है वो हाइड हो जाएगी। धागा हमारा मेन ब्लाउज का ही रहेगा, क्योंकि पाइपिंग के ऊपर की कोई भी सिलाई नहीं दिखने वाली। देखो, अभी हमने डीप नेक ब्लाउज सीखा, उसमें भी पाइपिंग लगाने का सेम तरीका रहेगा। अभी जो हम तरीका सीख रहे हैं वो सारे ब्लाउज में पाइपिंग आप इसी तरीके से लगा सकते हो। यू कैन अटैच पाइपिंग विथ द सेम मेथड इन ऑल ब्लाउज, लेकिन डबल अस्तर वाला ब्लाउज होना चाहिए। मैं सारी क्रॉस पट्टियों को पहले से जोड़ लूंगी। अभी हमने सिंगल फुट लगाना पड़ेगा। पाइपिंग बनाने के लिए हम एकदम पतली डोरी लेंगे पाइपिंग की। देखो, पाइपिंग की डोरी की बहुत सारी वैरायटी होती है, बट हमें लेना है एकदम पतली डोरी, थिन डोरी फॉर पाइपिंग। हम इसके अंदर रखेंगे और पाइपिंग बनाते वक्त हमें फैब्रिक को खींचना है। फैब्रिक को आप खींचोगे तभी आपकी पाइपिंग एकदम टाइट होगी, नहीं तो टाइट नहीं होगी। यू हैव टू स्ट्रेच द फैब्रिक। और जो फूट है उसके अपोजिट साइड हमारी डोरी रहेगी। इन अपोजिट साइड ऑफ फूट वी हैव टू पुट डोरी। ऐसा नहीं कि जिस साइड फूट है उसी के नीचे डोरी रख दी। अभी मैं देखो कपड़े को खींच रही हूँ और डोरी को बिल्कुल भी इसको नहीं खींचना। वी डोंट हैव टू स्ट्रेच दिस। कपड़े को हमें खींचना है और डोरी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अभी देखो, मेरी डोरी जो है थोड़ी लूज बन रही है, क्योंकि ये जो फुटर है वो निडल के अंदर है, यानी नीडल एंड फुट दोनों सेम तरफ है। हमें नीडल थोड़ी सी बाहर चाहिए। माई फुट इज लिटिल बिट दिस साइड एंड नीडल इज गोइंग इन फुट, सो आई कैन चेंज लाइक दिस। अभी मैं इस तरह से चेंज कर सकती हूँ कि हमें क्या करना है। ये दिखना चाहिए हमें, यहाँ से ये ओपन करना है और एक प्रेशर फुट से, यहाँ स्क्रू है तो स्क्रू हमें पेचकस से खोल सकते हैं हम। जो स्क्रू है वो स्क्रू को हमें हल्का सा लूज करना है तो हमारा ये जो पार्ट है वो हिलने लगेगा। इस तरह से आप भी फुट को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। हमें फुट थोड़ा सा घुमाना होगा, हल्का सा ही हम फुट को, और निडल नीचे रहनी चाहिए। थोड़ा सा हम इसको प्रेशर देके नीडल को हमारे फुट से हल्की सी बाहर रखना है। देखो, ये खिसक गया आराम से। अभी हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से बनेगी। वापस से इसको एकदम टाइट कर लेते हैं। ये चेंजेस सभी मशीन में होता है। एकदम वापस से फिट कर लेंगे। नीडल हमारी हल्की सी बाहर आ गई। देखो, इधर जूम कर दो।
निडल पहले अंदर थी और फुट हमारा बाहर हो गया था, तो इसकी वजह से अच्छे से पाइपिंग नहीं बन पा रही थी। अभी एकदम टाइट पाइपिंग बनेगी। पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए डोरी के ऊपर। देखो मैं सिर्फ फैब्रिक को खींच रही थी और डोरी को लूज रख रही थी। अब हमें पाइपिंग इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करना है, अस्तर वाले फैब्रिक को, लाइनिंग फैब्रिक मार्किंग। पाइपिंग वाला पार्ट अंदर होगा। अभी हमें खींचना नहीं है ज़्यादा, वी डोंट हैव टू स्ट्रेच मच, सिर्फ हम राउंड वाले पोर्शन में ही खींचेंगे, ओनली इन राउंड पोर्शन वी विल स्ट्रेच। अभी देखो कर्व पोर्शन आ गया तो मैं हल्का हल्का खींचना स्टार्ट कर दूंगी। दूसरे वाले पे भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। एंड स्टिच। अब हम देखो इस तरफ से स्टिच कर सकते हैं। पहले हम ये एक्स्ट्रा रेड वाला फैब्रिक पूरा कट कर देंगे। अभी देखो हम ये वाला पार्ट कैनवास वाला ऊपर इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमारा जो स्टिच है उसी स्टिच के ऊपर हम स्टिच कर सकें, स्टिच ऑन द सेम स्टिच। आपका शोल्डर पूरा मैच होना चाहिए, आपको नीचे वाला लूज रखना है। अगर मैच नहीं हो रहा यू हैव टू पुट लूज डाउन साइड फैब्रिक। प्रॉपरली कट टू कट आना चाहिए ये सब। अभी हम कट लगा देंगे और इसको पलटा देंगे। बट उससे पहले हमने जैसे पिछले ब्लाउज में आई पट्टी कैसे रखी थी, वैसे हम ब्लाउज के लेफ्ट साइड आई पट्टी रखेंगे। अगर आपको राइट साइड चाहिए तो आप राइट साइड रखो, लेफ्ट साइड साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड रखो। अभी हमें फैब्रिक की आई पट्टी रखनी है। आई पट्टी जैसा कि आपको पता है कि 5 इंच ब्रॉड हमें काटनी है। इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अभी हम इसके अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ एक लाइन करेंगे, और नीचे से 1/2 इंच ऊपर। दोनों को रिवर्स कर देंगे। और ब्लाउज के लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे मैं अंदर रख दूंगी इसको सैंडविच की तरह। थोड़ी छोटी हो गई देखो, नीचे से अंदर की स्टिच खोलनी पड़ेगी।
पट्टी हमारी बाहर आ गई है। पाइपिंग भी बन गई। देखो यहाँ से ग्रीन वाली स्टिच दिख रही है, तो हमें एक और सिलाई करनी पड़ेगी। उधर फिर भी ग्रीन वाला दिख रहा है। परफेक्ट है। तो देखो पाइपिंग लग चुकी है। दूसरी तरफ नॉर्मल स्टिच कर लेंगे नीचे से। अभी हमें बैक साइड में पाइपिंग लगानी है।